Hello and assalamu alaikum, beautiful people. My name is Rafiz Zubair and you are watching Sigma Motorsports Pakistan. तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप फुल बाइक रिव्यूज़ किया करें, तो हियर वी आर, हमारा सबसे पहला रिव्यू होने लगा है बाइक से बारे में। तो आज जो मेरे पास बाइक खड़ा है वो है वैलेंटिनो क्विका 2021 मॉडल। इसका भी काफ़ी लोगों ने रिव्यू मांगा था हमारे फेसबुक पेज पे, तो आज आपको इस बाइक के बारे में फुल डिटेल, स्पेक्स, इसका साउंड टेस्ट और इसके बारे में जो चेंजेस आए हैं 2021 मॉडल में उसके बारे में बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें वैलेंटिनो की, तो वैलेंटिनो है क्या? वैलेंटिनो एक इटालियन डिज़ाइन मोटरसाइकिल है मेड इन चाइना, और ये सिग्मा का एक्सक्लूसिव मॉडल है। स्टारो ब्रांड को सिर्फ सिग्मा मोटरस्पोर्ट्स पाकिस्तान डील कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो अब बात करें वैलेंटिनो के वेरिएंट्स की, तो इस साल हमारे पास इस बाइक में 3 वेरिएंट्स आए हैं, 250cc, 350cc और 400cc। फेसबुक पे काफ़ी लोगों का ये भी कंसर्न था कि इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल होंगे कि नहीं, तो ये हमारी गारंटी है आपको सारी आफ्टर सेल सर्विसेज पार्ट्स हमारे शोरूम पे ऑन द स्पॉट मिलेगा। और अगर आप बाइक किसी और सिटी में परचेज करते हैं तो हम TCS वगैरह पार्ट्स करवा देते हैं। तो बढ़ते हैं अब इसकी स्पेक्स की जानिब। सो इस वीडियो का जो मेन फोकस हमारा होगा वो होगा वैलेंटिनो 400cc पे। एंड पे आपको इसके दूसरे वेरिएंट्स के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी बता देंगे। तो चलते हैं इसकी इंजन की तरफ। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 400cc ड्यूल सिलेंडर EFI 8 वाल्व वाटर कूल्ड इंजन मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज इसकी बात करें तो सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स का ये अब तक का सबसे पावरफुल बाइक है विद फुल फीचर्स इन इट। अब इसके टायर्स की तरफ चलें, तो टायर्स की बात करें तो जो 400cc मॉडल है इसमें आपको आगे 120x70x17 का टायर मिलता है, और पीछे पिछले टायर की बात करें तो इसमें आपको 160x60x17 का टायर मिलता है। ब्रेक्स की तरफ चलें तो हमें इसमें फ्रंट पे ड्यूल पेटल डिस्क विद ABS सिस्टम मिलता है। जो ABS सिस्टम है वो सिर्फ 400cc वाले वेरियंट में अवेलेबल है। बैक ब्रेक की बात करें तो इसमें सिंगल डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिबर मिलता है। अब इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो ये 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक है इसमें, और इसके माइलेज की बात करें तो ये अराउंड 30 किलोमीटर्स पर लीटर माइलेज करती है। वैलेंटिनो 2021 के मॉडल की बात करें तो इसमें इस साल जो चेंजेस आए हैं वो है इसके इन्वर्टेड शॉक्स जो फ्रंट पे दिए गए हैं, और इसमें ABS सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। इसमें 6.5 इंच के TFT डिस्प्ले भी दिया गया है फुली डिजिटल, और इसमें पीछे स्विंग आर्म भी दिया गया है, एल्युमिनियम स्विंग आर्म भी दिया गया है। लुक्स की बात करें तो इसमें इस साल 2021 में 6 कलर्स आए हैं, रेड ब्लैक मैट में भी अवेलेबल है, ब्लू ब्लैक, ब्लैक ब्लू, ऑरेंज ब्लैक, ब्लैक ऑरेंज, और इसमें एक स्पेशल कलर आया है कार्बन में, ग्रीन ब्लैक। फ्रंट लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको DRLs मिलती हैं, प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं और डिपर की ऑप्शन है। अब जिस चीज़ का आप लोगों को वेट था, इसका साउंड टेस्ट, अब इसका मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये था इसका साउंड टेस्ट। अगर आपको इसका एग्जॉस्ट के साथ भी साउंड टेस्ट सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो वैलेंटिनो 400cc की प्राइस है 795,000। ये बाइक इंस्टॉलमेंट्स पे भी अवेलेबल है पिंडी और लाहौर में। आप नीचे लिंक्स पे क्लिक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
वेरिएंट्स में कंपैरिजन करें तो 400 सीसी और 350 में आपको फ्रंट पे इन्वर्टेड शॉक्स मिलते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स जिसको कहते हैं, और बैक पे इसके एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिलता है। और इसके हैंडल बार की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम हैंडल बार भी मिलता है 350 में, और 250 में क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। टायर्स की तरफ चलें तो 400 सीसी में आपको फ्रंट पे 120 का रेसिंग टायर मिलता है और पीछे 160 का रेसिंग टायर मिलता है। और 350-250 की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट पे 110 का टायर मिलता है और पीछे 150 का टायर मिलता है। ये था वैलेंटिनो 400 सीसी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया और अगर आपको यहाँ कोई इसमें खामियाँ या आप कोई इसमें सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपका होस्ट राफे ज़ुबैर। आई विल सी यू गाइस विद इन अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.